नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा एआरओ एंटोमोलॉजी का पेपर जो है 30 अगस्त 2022 को करवाया गया है। तो इसके आंसर के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस एआरओ के पेपर के अंदर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी के पेपर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वह थे 150 क्वेश्चन इसके अंदर थे। इसमें से शुरू के जो 30 क्वेश्चन थे वे आपके राजस्थान जीके के थे, देन रिमेनिंग जो 120 क्वेश्चन है वह एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन है। तो शुरू में अपन 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर जीके के देखेंगे और रिमेनिंग जो है पार्ट वो आपका पूरा एंटोमोलॉजी का है, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहले 1 to 30 आपके जीके के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को नीचे दिए गए कूट से भरिए। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे दे रखी थी कि बाड़मेर में 32.5, जैसलमेर में 31.8, बांसवाड़ा में 26.5, जोधपुर में 27.7। तो ये इसमें से कूट चयन करना था कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वह आपका थर्ड वन जाएगा, क्योंकि ये चारों के चारों राइट है, ये सारे के सारे चारों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देन दूसरा क्वेश्चन था, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है। रंगमहल एक सभ्यता है जहां पे विशेष रूप से किसकी खेती होती है, तो वहां पे चावल की खेती होती है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपके लिए कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। सर्वाधिक साक्षरता दर, अगर इन ऑप्शन को देखें, जालोर, करौली, गंगानगर और अलवर, तो इनमें से सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वह अलवर की है। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वह आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है। तो इसमें जो ये है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो यहाँ पे आपका राइट होगा। देन अगला क्वेश्चन था, हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है। वैसे ये बता दूं, ये क्वेश्चन जो है विवादास्पद है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए हट सकता है यहाँ पे, क्योंकि हरि पिंगल प्रबंध की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार इसमें कोई भी सुटेबल नहीं है। लेकिन अपन बात करें केवल पिंगल की, तो पिंगल का जो अपन बात करें तो पिंगल की जो रचना है वो ईसरदान के द्वारा की गई है, लेकिन ईसरदान इसका आंसर नहीं हो सकता है। ये जो है बीकानेर रियासत के समय या बीकानेर के अंदर जो है उस समय लिखा गया था, और इस केस में इसका जो ऑथर है या लेखक है वो कोई और है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। और ईसरदान अगर मानते हैं तो ईसरदान केवल पिंगल के रहे हैं, तो ये क्वेश्चन विवादास्पद है। इसका आंसर जो है वह फाइनली आरपीएससी के आंसर पिक पे निर्भर करता है और हट भी सकता है ये प्रश्न। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है। गज उद्धार की रचना का श्रेय जो है यहाँ पे किसको जाता है, तो महाराजा अजीत सिंह को जाता है। इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो इस केस में आंसर आपका थर्ड वन, जवाई नदी जो है वस्त्र उद्योग के कारण जो है प्रदूषित हो रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट होगा। देन एट्थ नंबर क्वेश्चन, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो पदराड़ा अभिलेख जो है महाराणा कुंभा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इस केस में राइट होगा। देन ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इसमें आएंगे मनरंग खां या जिन्हें भूपत खां के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, 1308 ईस्वी में सीवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिजली ने इसे क्या नाम दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन था मोहम्मदाबाद, खेराबाद, खिजराबाद या कमलाबाद। तो इस केस में इसका आंसर आपका सेकंड होगा, खेराबाद नाम जो है इसका दिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है। तो यह कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में जो है बोराट का पठार स्थित है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। देन जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनगणत्व वाले जिला, इसमें से आपको पहचानना है पाली, चूरू, बीकानेर और जालोर में से। तो इस केस में आंसर आपका बीकानेर जाएगा, थर्ड वन, जहां से 100 से कम जो है जनगणत्व पाया जाता है। देन अरावली की निम्न पर्वत शिखरों में से ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। सबसे ऊंची जो है वह है सायरा, देन तारागढ़, देन डोरा पर्वत, देन नाग पहाड़ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट होगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के उस महाराजा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। तो बाज बहादुर को जो शरण प्रदान की थी वो महाराणा उदय सिंह ने की थी। जब अकबर ने जो ये चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था तब जयमल फतेह के साथ जो और भी जो लोग थे उसमें बाज बहादुर भी था, और जिसने अकबर के साथ उस समय मुकाबला जो चित्तौड़ के दुर्ग में किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, अफीम पर शाही आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो अफीम पर शाही आयोग का गठन जो थे 1895 में किया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इस केस में राइट होगा। देन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर किस जिले में किस खंड के अंदर आता है। तो यह आएगा आपका BWHW, इस केस में आंसर नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा नहीं है। तो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा यहाँ पे जवाई बेसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वह यहाँ पे राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की दाई या आया होने का दायित्व निभाया था। तो इसका आंसर जो होगा वह गोरादाई होगा। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वह आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय स्थापित किया था डूंगरपुर के अंदर, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने ये शब्द बोले थे। तो ये बोले थे मासवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने बोले थे। आंसर नंबर फोर्थ इसका राइट जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतया गंगा नदी घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है। ऑप्शन था सूरतगढ़, बोरपाल, मानेकथर, खंडेला। तो इसमें से सही कूट बताना था कहां कहां पर इसका बाढ़ का प्रकोप जो है गंगा नदी का होता है। तो इसमें आप सीधा सा आंसर निकाल सकते हो क्योंकि खंडेला जो है आपके सीकर के अंदर आता है और सीकर साइड में गंगा नदी नहीं बहती है। तो इस केस में आपका डी जो होगा यहां पे किसी भी कूट के अंदर नहीं होगा। अगर इस आंसर इस आधार पर अपन आंसर देखेंगे तो आंसर नंबर सेकंड आपका राइट जाएगा। ए बी और सी जो है यहाँ पे सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मुख्यतया सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सागवान के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो यहाँ पे राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई। तो राज प्रमुख के रूप में जो है वह उदयभान सिंह की नियुक्ति यहाँ पे की गई थी, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद था, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी। तिलवाड़ा जो है आपका बाड़मेर के अंदर है और यह लूणी नदी के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था और यहाँ पे राइट आंसर आपका बताना था। तो इसमें राइट आंसर आपका सेकंड नंबर होगा। अगर इसमें बात करें अपन तो जो आपका मोती झील है ये आपके भरतपुर के अंदर है। देन बुज झील जो है यह जैसलमेर के अंदर है। देन आनंद सागर झील जो है वह बांसवाड़ा के अंदर है। देन तलवाड़ा झील जो है वह आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट जाएगा। देन नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस नदी बेसिन में उत्खात स्क्लार्थी पाई जाती है। तो चंबल बेसिन में आंसर नंबर थर्ड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देन 27, निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि भाई मिश्रित पतझड़ वन जो है 250 से 300 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो आपको बता दें कि मिश्रित पतझड़ जो वन होते हैं वे आपके जो है 250 से 300 सेमी से अधिक आया है। यहाँ पे शब्द क्या आया है, अधिक वर्षा वाले, और ये बात सही है क्योंकि इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही जो है मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वन क्षेत्र का 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। 27 नहीं है, 58% भाग आता है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है ये कथन जो है यहाँ पे गलत है। देन मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देता है, वर्षा ऋतु में नहीं गिराता है, ये बसंत ऋतु में गिराता है। ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। देन दोक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इन चारों में से जो राइट है यहाँ पे आपका ए और डी राइट है। और कूट के आधार पे देखें तो इसमें आंसर आपका सेकंड जाएगा, ए और डी, ये दोनों यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, थार मरुस्थल के संदर्भ में पराबोलिक क्या है। पराबोलिक जो है एक प्रकार का बालू का स्तूप होता है। इस केस में आंसर जो होगा आपका फर्स्ट वन राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो मोठड़े की पगड़ी जो है विवाहोत्सव पर पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के
निम्न में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया है छोटे बच्चों का, तो ये है आपका कम पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आएगा झुंझुनू, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। तो यहां तक आपके राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चनों के आंसर के अपन ने यहाँ पे देखी है। अब अपन यहां से आगे से बात करेंगे 31 से 150 के बीच में आपके एंटोमोलॉजी के 120 क्वेश्चन के आंसर की अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटोमोलॉजी के अंदर जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि लेसीफेरा लेक सीक्रेट्स लेक फॉर, लेसीफेर लेक का जो है लेक का सीक्रेशन किसके लिए करता है, फॉर द प्रोटेक्शन के लिए करता है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मॉस्किटो लार्वल स्टेज डज नॉट हैव अ साइफन ट्यूब फॉर द रेस्पिरेशन, किसमें साइफन ट्यूब जो होती है वह नहीं पाई जाती है, तो इस केस में आंसर जो होगा आपका एनोफिलिस स्टेफेंसिस होगा, आंसर नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ एक्शन ऑफ द लैक्टिंस, लैक्टिंस का एक्शन क्या है, तो लैक्टिंस एक्शंस करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट होगा, टारगेट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 34 लाइफ साइकिल ऑफ द टिक्स इंक्लूड, टिक्स की लाइफ साइकिल में क्या इंक्लूड है, तो वैसे यहां पे इंग्लिश के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कोई भी मैच नहीं खाएगा, यहां पे एक प्रश्न जो है अपन कहें कि एक प्रकार से इसके ऑप्शन के अंदर मिसप्रिंटिंग यहां पे पाई गई है। और अगर अपन इसके हिंदी के ऑप्शनों को देखते हैं तो उसके आधार पर इसका आंसर देखते हैं तो इसमें आंसर आपका थर्ड वन राइट जाएगा, क्योंकि एक स्टेज होती है एक के बाद सिक्स लेग्ड लार्वी होती है, देन उसके बाद एट लेग्ड निम्प होता है, देन एट लेग्ड वापस निम्प नहीं है, यहां पे ये मिस प्रिंट है, ये होता है अडल्ट, क्या होता है अडल्ट होता है, क्योंकि अगर इसका हिंदी का ऑप्शन देखते हैं तो यहां पे वयस्क यहां पे दिया हुआ है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अप्रोप्रिएट है, लेकिन देखा जाए यहां पे मिस प्रिंट हुआ है तो ये प्रश्न आपका डिलीट हो सकता है। किस वजह से, मिस प्रिंटिंग की वजह से ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन के किसी के भी अंदर 688 का फिगर यहां पे नहीं आ रहा है, केवल थर्ड वन के अंदर आ रहा है, वो भी यहां पे निम्प दे दिया गया है, जबकि यहां पे अडल्ट आना चाहिए, जबकि हिंदी के अंदर इसको सही दिया गया है, तो ये फाइनल आरपीएससी के ऊपर निर्भर करता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्राइकोग्रामा इज, ट्राइकोग्रामा क्या है, इज एन एग पैरासिटोइड, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इस केस में राइट होगा। देन फोरगट एंड हाइंडगट ऑफ इंसेक्ट्स आर ओरिजन रेस्पेक्टिवली, दैट इज एक्टोडर्मल होती है दोनों ही, इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के प्रति नैरो रेंज होती है उसको स्टेनोथर्मल, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। देन स्मॉल रो ऑफ हुक यूज टू कपल टूगेदर फोर एंड हाइंड विंग इन द हाइमेनोप्टेरा, इस स्ट्रक्चर को अपन हामुले के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39 सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द गिवन रिगार्डिंग द खपरा बीटल, खपरा बीटल के संबंध में कुछ स्टेटमेंट यहां पे दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने यहां पे है कि खपरा बीटल इज अ प्राइमरी पेस्ट ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन, यस ये बात सही है कि यह प्राइमरी पेस्ट है, ओनली लार्वी डैमेज द ग्रेन एंड अडल्ट डोंट फीड, तो इस केस में सेकंड स्टेटमेंट भी आपका राइट है। लार्वी कैन नॉट टॉलरेट टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्रिक्टली देन डाई, और आप जानते हो कि खपरा बीटल 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं मर सकती, क्योंकि खपरा बीटल जो है अधिक से अधिक तापमान होता है तब भी वह डाई नहीं हो पाती है, तो यानी कि 27 पे यह कैसे डाई होगी, तो यह काफी रजिस्ट करती है इस टेम्परेचर के प्रति, तो यह कथन कहीं ना कहीं अपन कहें थर्ड वन वाला कथन जो है यहां पे गलत है। देन फोर्थ वन दे कॉन्ग्रेट इन क्रैक्स एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव बाय द ऑर्डिनरी सैनिटेशन, तो यह बात भी सही है, तो इस केस में आपका जो करेक्ट जो कोड आ रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वह आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्राइमरी वेक्टर ऑफ द जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज, जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज का प्राइमरी वेक्टर कौन होता है, तो इसमें होता है क्यूलैक्स मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन वन प्रीडेटर स्पीसीज डिस्टर्ब्ड द एबिलिटी ऑफ द अनदर प्रीडेटर स्पीसीज टू कैप्चर एंड कंज्यूम द प्रे, सच टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन अमंग द प्रीडेटर विद इन द कॉम्प्लेक्स फूड वेब आर कॉल्ड, इट मींस यहां पे माइनस और जीरो का जो है एक प्रकार का सिम्बायोसिस है, एक तो नुकसान पहुंचा रहा है दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो इस केस में अपन कहें कि एक दूसरे के ऊपर प्रभाव कर रहा है यानी एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, इस केस में आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जाएगा, इस केस में आपका आंसर सेकंड वन राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, चार स्टेटमेंट दिए गए थे, ट्रांसजेनिक रेजिस्टेंस प्लांट हैव बीन डेवलप्ड बाय द बीटा एंडोटॉक्सिन जीन फॉर द बेसिलस थ्रुजेंसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस इज एन एफिशिएंट वेक्टर ऑफ डीएनए, देन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस इज एन सोइल बोर्न वायरस, देन द ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड विद द यूज ऑफ द वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस,
तो यहां पे देखते हो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे सोइल बोर्न वायरस आ रहा है। क्या आ रहा है? वायरस आ रहा है, विषाणु आ रहा है। और आपको बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस वायरस नहीं है, तो इस केस में कथन नंबर या ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका इनकरेक्ट है, थर्ड वन यहां पे आंसर जाएगा। देन 43 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी कंटेन्स द जॉनस्टन ऑर्गन, कौन सा पार्ट जॉनस्टन ऑर्गन कंटेन करती है? तो एंटीनी का पेडिसिल वाला भाग जो होता है वो आपका जॉनस्टन ऑर्गन रखता है, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। 43 क्वेश्चन के अंदर कौन सा पार्ट जो है जिसके अंदर जॉनस्टन ऑर्गन होता है? तो जॉनस्टन ऑर्गन जो होता है वह आपका पेडिसल वाले पार्ट के अंदर होता है, एंटीनी के अंदर, जो आपको ध्यान होना चाहिए। Then the next question is the as per the classical practice in the biological control, introduction of the Vedalia beetle are the used as the natural enemies to control, किसको control करने के लिए? Kotnik-Kuzni scale को, option number 4th जो होगा वो आपका right होगा। Then the cantharidin is a derived from a blister beetle, जो किस रूप में या काम में आता है? Aphrodisiasis होता है, जो sexual में जो है mating के लिए काम में लिया जाता है, तो इसमें option number 1st one right होगा। Then the chemical name of protozoan, बाइगन का यहाँ पे बताया गया है कि बाइगन का जो है केमिकल नेम यहाँ पे क्या होगा, और बाइगन आप जानते हैं एक प्रकार का एंटीफिडेंट या अपन कह सकते हैं कि जो है कॉटन बॉल वीविल के लिए काम में लिया जाता है, तो इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा? तो इस केस में आंसर आपका फोर्थ वन जाएगा, 2-isopropyl फिनाइल मिथाइल कार्बामेट, इसका आंसर होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोलिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट व्हेन दे बिकम अ डिजीज्ड और आर अटैक्ड बाय इंसेक्ट टू रेजिस्ट फर्दर डैमेज बाय अ पेस्ट, तो जो प्लांट के अंदर जो नेचुरल कंपाउंड पाए जाते हैं जो उसको रजिस्ट करते हैं, तो वह फाइटोएलेक्सिन्स होते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्टोरेज हाउस टू मैनेज द स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को मैनेज करने के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन 15-40, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10, ये आपका राइट है, ऑक्सीजन लेवल 1%, ये आपका राइट है, स्टोरेज स्ट्रक्चर को फ्यूमिगेट करना चाहिए, ये आपका राइट है। इनकरेक्ट जो है आपका केवल फर्स्ट वाला है, इस केस में आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट वाला जाएगा। देन द 49 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना था कि लेपिडोप्टेरन वायरस के किसके लिए यूज होगा, बीटी टेनेब्रियोनिट्स किसके लिए यूज होगी, हेलिकोरोपा वायरस किसके लिए होगा, और बीटी इजराइलेंसिस किसके लिए यूज होगी, तो इस केस में आपका कोड जो है फोर्थ वन आपका राइट होगा। अपन बात करें इसमें लेपिडोप्टेरन वायरस के लिए, इट मींस बीट वार्मीवर्म के लिए यूज होगा, देन बैसिलस टेनिब्रियोनिट्स जो होगा यहाँ पे कोलोराडो पोटेटो बीटल के लिए यूज होगा, देन हेलिकोरोपा वायरस जो है आपका टोबेको बडवर्म के लिए यूज होगा, देन इजराइलेंसिस जो है वो आपका मॉस्किटो के लिए यहाँ पे यूज होगा। देन द पेरिस ग्रीन इज, पेरिस ग्रीन क्या है? तो पेरिस ग्रीन किस प्रकार का पॉइजन है? तो पेरिस ग्रीन यहाँ पे स्टोमक पॉइजन है, इस केस में आंसर थर्ड वन जो होगा आपका राइट होगा। देन विच टाइप ऑफ द हैड द सकिंग माउथ पार्ट, यहाँ पे सकिंग पूछ लिया यानी हेमिप्टेरॉइड पूछ लिया, तो यहाँ पे सीधा आंसर आप निकाल सकते हो विद द प्रोबोसिस एक्सटेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड जो होती है इसकी प्रोबोसिस होती है, तो ये ओपिस्थोगनेथस यानी कि आपका थर्ड वन, इसमें आंसर आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट इन्फेस्ट द सुगर केन इन द फील्ड, फील्ड के अंदर कौन सी माइट जो है सुगर केन को इन्फेस्ट करती है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, सीजो टेट्रानाइकस एंड्रोपोगोनी जो होती है सुगर केन को फील्ड के अंदर जो इन्फेस्ट करने का काम करती है। देन द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज, इकोसिस्टम टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया है? टेंसले ने यूज किया है, इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। बीटी कॉटन अप्रूव्ड फॉर द कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन द इंडिया, इंडिया में बीटी कॉटन कब अप्रूव्ड हुई है? तो 2002 के अंदर हुई, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट दैट एनी टू स्पीशीज कैन लाइव टुगेदर इनडेफिनेटली ऑन अ सिंगल लिमिटिंग रिसोर्सेज, कोएग्जिस्टिंग स्पीशीज विद द सिमिलर इकोलॉजी आर टाइपिकली फाउंड इन अ डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट, यह स्टेटमेंट दिया गया था बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसका राइट होगा। आवरमेक्टिन इज एन नेचुरल कंट्रोल एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस से डिराइव हुआ है, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लार्वल पैरासिटोइड, कौन सा लार्वल पैरासिटोइड नहीं है? तो ट्रिलोनोमस रेमस, क्योंकि ये एक प्रकार का एक पैरासिटोइड है जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द थ्रिप्स, थ्रिप्स के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दे हैव अ फ्रिंज्ड विंग, ये बात सही है कि उसमें फ्रिंज्ड विंग पाए जाते हैं, हैव अ रेस्पिंग सकिंग माउथ पार्ट, ये भी बात सही है, हैव टू सेगमेंटेड टार्साइड विदाउट क्लोज, देखो टू सेगमेंटेड टार्साइड होती है ये बात तो सही है, लेकिन उसमें क्लो नहीं होता ये बात गलत है, तो इस केस में यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और आपके यहां आंसर थर्ड वन जाएगा कि टू सेगमेंटेड टार्साइड होती है जिसमें क्लो नहीं होता, यह गलत बात यहां पर की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्लियामेंट पास द इंसेक्टिसाइड एक्ट इन द विच ईयर, इन 1968, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका
राइट होगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है एस्टेब्लिश किया गया है, 1948 के अंदर। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेबेडिला के बारे में बात हुई है, सेबेडिला इज हाईली टॉक्सिक टू द हनी बी एंड शुड बी ओनली यूज्ड इन द इवनिंग, बात सही है। यहाँ पे सेबेडिला डिग्रेड रेपिडली इन द सनलाइट एंड एयर लिविंग नो हार्मफुल रेसिड्यू, ये भी बात सही है। सेबेडिला कम्स फ्रॉम द सीड ऑफ द सिनोकोलन ऑफिसिनल, ये भी यहाँ पे सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर यहाँ पे, फोर्थ वन ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट होगा। देन 62 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स अबाउट द वेब स्पाइनर, वेब स्पाइनर के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो फॉल्स स्टेटमेंट अगर ये चारों पढ़ते हैं तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि फीमेल्स आर द ऑलवेज विंग्ड, ऐसा नहीं होता है। फीमेल जो होती है विंगलेस होती है, जबकि मेल जो होता है वो विंग्ड होता है हमेशा। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। द इंडियन गवर्नमेंट पास द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, डिप्पा के बारे में आपने सुना होगा, ये कब पास्ट हुआ, 3 फरवरी 1914। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वन जो होगा वह आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, फिरोमोन ट्रैप आर यूज्ड टू ट्रैप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, कौन से स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को ट्रैप करने के लिए फिरोमोन ट्रैप का यूज होता है। तो बेसिकली सिटोफिलस ओराइजी, ट्राइबोलियम कास्टानियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, इन सभी के लिए यूज किया जाता है। इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ वन राइट जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इस केस में आपका आंसर होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था, द लोएस्ट नंबर ऑफ द इंसेक्ट दैट विल कॉज द इकोनॉमिक डैमेज और द मिनिमम नंबर ऑफ द इंसेक्ट दैट वुड रिड्यूस द यील्ड इक्वल टू द ग्रेन थ्रेशोल्ड, इसको अपन क्या कहेंगे। तो इसको अपन इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहेंगे, EIL कहेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द साइलेंट स्प्रिंग, जो 1962 के अंदर लिखी गई थी, इसके ऑथर है रिचेल कार्सन, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। इन विच इंसेक्ट द सरसाइ आर मॉडिफाइड एज अ फोर्सेप, फोर्सेप के रूप में मॉडिफाइड किसमें होती है, तो ईयर विक के अंदर होती है, डर्मेप्टेरा के अंदर होती है। इस केस में ऑप्शन नंबर थर्ड वन आपका राइट होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कन्वेक्स वेन इन अ इंसेक्ट विंग, इंसेक्ट विंग के अंदर कौन सी कन्वेक्स वेन नहीं होती है, तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सेकंड क्यूबिटिस जो होती है वह आपकी कन्वेक्स नहीं होती है। देन केरोमोन्स आर द बेनिफिटेड टू, केरोमोन्स किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो ये रिसीवर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सेंडर वाले जो होते हैं वो एलोमोन होते हैं, और दोनों के लिए होते हैं वो साइनमोन होते हैं। द टर्म माइक्रोबियल कंट्रोल वाज फर्स्ट टाइम यूज, माइक्रोबियल कंट्रोल फर्स्ट टाइम जो यूज की गई है वह स्टेनहोस के द्वारा की गई, जबकि बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वह स्मिथ के द्वारा की गई है। देन द एपिकार्डिया मेलुलेका इज एन एग पैरासिटोइड इज बीइंग यूज्ड फॉर द एज अ बायो एजेंट, किसके बायो एजेंट के रूप में इसको काम में लिया गया है, तो सुगर केन लीफ ओपर, इनमें सुगर केन पायरिला के लिए जो है इसको काम में लिया गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा इसका राइट आंसर होगा। देन नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज NBAIR कहां पे स्थित है, तो ये बेंगलोर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसका राइट आंसर जाएगा। अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस वन स्पीसीज हैज अ नेगेटिव इफेक्ट एंड वन इज अ नो इफेक्ट, यानी एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट कॉज करता है, इसको अपन अमन सेलिज्म कहते हैं। लेकिन जब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है, तो उसको कॉमन सेलिज्म कहते हैं। तो इसमें आंसर आपका सेकंड वन जाएगा। Which one of the following statement is a correct? कौन सा statement जो है यहाँ पे सही है? तो इस केस में बताइए, ये सारा locust के बारे में दिया गया है। तो best egg production of a migrated locust at a range between 20-35% relative humidity, 20-35% relative humidity पर ये egg laying best करता है। Altoseed insecticide mimics like Altoseed, Altoseed यानी मिथोफ्रेन की बात हो रही है, और मिथोफ्रेन क्या है एक प्रकार का, तो मिथोफ्रेन एक प्रकार का जुवेनाइल हार्मोन है। इस केस में आंसर नंबर सेकंड आपका राइट जाएगा। विच ऑयल एक्ट एज अ रिपेलेंट फॉर अ मॉस्किटो, मॉस्किटो के लिए रिपेलेंट के रूप में किसको काम में लेते हैं, तो सिट्रोनेला ऑयल को लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ वन आपका राइट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द फ्लियास हैव अ पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस, कौन सी स्पीसीज जो है फ्लियास की पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस की है, तो जीनोसाइलस चियोपसिस, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन जो होगा वह आपका राइट होगा। फुल फॉर्म ऑफ द MRL, MRL की फुल फॉर्म क्या है, तो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वह आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSC वाज फर्स्ट सिंथेसाइज बाय, ये किया था माइकल फेराडे ने, ऑप्शन नंबर थर्ड वन राइट जाएगा। ग्रुप ऑफ स्पीसीज एक्सप्लोइटिंग अ कॉमन रिसोर्सेज इन अ सिमिलर फैशन इज अ कॉल्ड एज इज अ गिल्ड, इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा आपका ऑप्शन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज अ वाइडली रिकमेंडेड अगेंस्ट अ टर्माइट कंट्रोल, टर्माइट कंट्रोल के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड रिकमेंड किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो इस केस में क्लोरोपाइरीफॉस होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ वन राइट होगा। स्टेनर्मा ग्लेसरी इज अ एक्टिंग अ बायो कंट्रोल एजेंट,
इज एन अगेंस्ट जापानीज बीटल, तो स्टेन नर्मा क्या है, तो ये एक प्रकार का पैरासाइटिक निमेटोड है, अपन कह सकते हैं इसको ईपीएन भी बोल सकते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड भी इसको अपन बोल सकते हैं। देन द क्रिकेट्स बिलोंग टू द विच फैमिली, तो ये ग्राइलिडी से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। माइक्रो इंजेक्शन जो है किसके अंदर जो है ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए यूज किया गया है, तो इस केस में टोबेको जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इन आईपीएम एगमेंटेशन मींस, एगमेंटेशन का अर्थ क्या होता है, इन अ बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रैक्टिस दैट इंक्लूड एनी एक्टिविटी डिजाइन टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ द नेचुरल एनिमीज, तो इस केस में आंसर आपका सेकंड वन जाएगा, जिसमें उसके नंबर को बढ़ाया जाता है। Which one of the following insecticide is the animal origin? Animal origin कौन सा insecticide है? तो neristoxin है, जो marine annelid से प्राप्त किया गया है। Then the next question 87, Chagas disease is a transmitted by? तो यह रेडियोवीड बग के द्वारा ट्रांसमिट होती है, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वन राइट जाएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट टू द सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है और इसमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसके अनुसार करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ वन होगा, क्योंकि अगर अपन बात करें तो थाई सेन्युलेंस के अनुसार इसमें जो ऑप्शन है उसमें स्प्रिंग टेल आएगा। वैसे बेसिकली स्प्रिंग टेल जो है वो आपके कोलम बोला के अंदर आता है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है। देन द बी के अंदर एनोप्लूरेंस के अंदर बात करें तो इसमें सकिंग लाइस आती है, देन साइफोनोप्टेरास के अंदर फ्लियास आता है, देन मैकोप्टेरा के अंदर स्कॉर्पियन फ्लाई आती है, तो इस कोड के अनुसार ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें भी मैच फर्स्ट टू सेकंड को मैच करना है, यहाँ एंटीनी दी हुई है, तो इसमें आपका कोड नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा, क्योंकि फिलीफॉर्म टाइप की जो एंटीनी होती है वो कॉकरोच के अंदर होती है, देन आपके पैक्टिनेट टाइप की जो एंटीनी होती है वो आपके सोफ्लाई के अंदर होती है, देन मोनिलीफॉर्म जो होती है वो आपके टर्माइट के अंदर होती है, और क्लेवेट प्रकार की बटरफ्लाई के अंदर एंटीनी पाई जाती है। Then the most common feature of the order Ephemeroptera, Ephemeroptera का सबसे common जो है लक्षण कौन सा है, लीफ लाइक इसमें abdominal gills होती है और थ्री tails होती है नेक्स्ट के अंदर, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट वन इज द मस्कार्डाइन डिजीज ऑफ द सिल्कवर्म इज अ कॉज्ड बाय, ये एक फंगस की वजह से होती है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप, इसमें मोनोकोटोफॉस होगा फर्स्ट वन ऑप्शन। देन द सेमियो केमिकल्स कैन बी यूज एज बायो मॉनिटरिंग, मास ट्रैपिंग, मैटिंग डिस्ट्रप्शन, ये तीनों ही सही है यहाँ पे, इसके इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। द रो लेक ऑब्टेन फ्रॉम द ट्विक ऑफ द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट की ट्विक से जो रो लेक प्राप्त करते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, तो उसे अपन वैसे स्टिक लेक या उस नाम से जानते हैं या सीड लेक के नाम से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे यहाँ पे सीड लेक जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो आपका राइट होगा। नर्व पॉइजन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, और नर्व पॉइजन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, नार्कोटिक्स होते हैं, एक्सोनिक पॉइजन होते हैं, साइनेप्टिक होते हैं, ये तीनों ही होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ वन राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव इस केस में आपका आंसर जाएगा। Which one of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात हुई है, डेलेपोन के बारे में बात हुई है, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट के बारे में बात हुई है, तो इस केस में जो इनकरेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड है, इसमें दिया हुआ है कि डेलेपोन इंसेक्टिसाइड परसिस्ट अप टू द 9 months इन द सोइल, ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। देन द पूसा बीन्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स आर डेवलप्ड बाय, तो ये IARA के द्वारा डेवलप किया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वन जो होगा वो आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना था और यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना था, तो इस केस में ऑप्शन नंबर थर्ड वन आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें बात करें क्यूलिसिडी के अंदर जो होता है आपका मॉस्किटोस आता है, देन अपन बात करें सेसिडोमाइडिडी के अंदर जो है गोलमीच आते हैं, देन टेबेनिडी के अंदर जो है हॉर्स फ्लाइज आती है, देन सिडफिडी के अंदर जो है फ्लोवर फ्लाइज आती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, सम इंसेक्ट्स आर एबल टू अवॉइड द फ्रीजिंग बिकॉज दे कैन विदस्टैंड द सुपर कूलिंग एज दे पजेस द सम क्रायो प्रोटेक्टिव कंपाउंड, उनमें क्रायो प्रोटेक्टिव कंपाउंड इंसेक्ट के अंदर कौन से होते हैं जिसकी वजह से फ्रीजिंग नहीं हो पाते, फ्रीज नहीं हो पाते, तो सोर्बिटोल, ग्लिसरॉल और इथिनॉल, ये तीनों ही होते हैं, इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ वन जो होगा वो आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100, द फर्स्ट जनरेशन बीटी कंटेन, फर्स्ट जनरेशन बीटी कॉटन के अंदर कौन सा जीन था, तो क्राई वन एसी था, इस केस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना था, आपको पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी और पॉलीएंड्रोगेमी के बारे में पूछा गया था, तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वह थर्ड वन नाम का कोड होगा। अगर इसमें बात करें तो पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी यानी फीमेल मेट वंस, मेल्स आर वेरिएबल इन अ मेट नंबर्स। देन अपन बात करें सेकंड वन की पॉलीएंड्री की, तो इस केस में मेल मेट वंस, फीमेल आर वेरिएबल इन अ मेट नंबर। देन अपन बात करें पॉलीगाइनी की, तो पॉलीगाइनी के केस में जो होगा वो होगा आपको यहाँ पे पॉलीगाइनी का बात करें अपन, तो इस केस में बोथ सेक्सेस है वो वेरिएबल मेट नंबर्स, फीमेल मेटिंग सक्सेस इज मोर वेरिएबल देन द मेल मेटिंग।
देन पॉलीएंड्रोगेमी, पॉलीएंड्रोगेमी यानी मेल और फीमेल दोनों की बात होगी और बोथ सेक्सेस की बात हो रही है, तो इस केस में फोर्थ वन में आपका ये जाएगा और सेकंड के हिसाब से इसका कूट बनाओगे आप तो आपका थर्ड वन जो है ऑप्शन यहाँ पे राइट जाएगा। देन द एट्रोपिन इज एन, एट्रोपिन किस रूप में यूज होता है, तो एक एंटीडोट है, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड ट्रांसफर इंक्लूड टू कैरी द डीएनए इनटू प्लांट, दैट इज द टीआई प्लाज्मिड, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वन जो होगा वो आपका राइट जाएगा। द जीन इनकोडिंग द सिस्टीन प्रोटीएज, सिस्टीन प्रोटीएज किसके लिए यूज किया गया है, तो कोलियोप्टेरन पेस्ट के लिए यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड वन यहाँ पे राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना था और इसके इसमें राइट आंसर आपका फोर्थ वन होगा, क्योंकि इसमें बात करें तो एपिडेमिक टाइफिस होती है वह लाइस की वजह से होती है। देन द स्क्रूप टाइफस की बात करें तो यह आपका माइट की वजह से होता है। वेब नाइल फीवर की बात करें तो यह आपके मॉस्किटो की वजह से होता है, एंड टाइफाइड जो होता है वह आपके हाउस फ्लाई की वजह से यहाँ पे वेक्टर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्सपेंस इज करेक्ट रिगार्डिंग टू मेटा मेलाथियन मेटाबोलिज्म, मेलाथियन के मेटाबोलिज्म के संबंध में कौन सा करेक्ट सिक्वेंस यहाँ पे है, तो इस केस में थर्ड वन मेलाथियन मेलाक्सोन में कन्वर्ट होगा, देन डाइमिथाइल ट्राइफोस्फेट एसिड, देन डाइमिथाइल फोस्फोरिक एसिड, देन फोस्फोरिक एसिड के अंदर मेटाबोलिज्म यह इसका होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द गिवन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसको आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखें कि द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियोवायरस आर बीइंग कंज्यूम टू इंक्रीज द किलिंग स्पीड ऑफ देम एंड रिड्यूस द फीडिंग कैपेसिटी ऑफ द होस्ट, तो ये कथन जो है यहाँ पे राइट है। देन द इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियोवायरस जीन डिलीशन नेवर बीन द एबिलिटी टू द ऑब्जर्व एफिकेसी एंड किलिंग स्पीड, ये यहाँ पे रॉन्ग है। देन द इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियोवायरस मेनी एक्सोजिनस जीन्स फ्रॉम द डिफरेंट ओरिजिन्स हैव बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, ये कथन भी यहाँ पे राइट है। देन इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियोवायरस एक्सोजिनस जीन्स आर इनकोडेड इंसेक्टिसाइडल बायोएक्टिव सब्सटेंसेस सच एज न्यूरोटॉक्सिंस हार्मोन एंजाइम, ये भी कथन यहाँ पे राइट है। तो इट मीन्स द आपका फर्स्ट राइट है, आपका थर्ड राइट है, देन फोर्थ राइट है। तो यहाँ पे जो कोड आएगा वो आपका फर्स्ट वन के अंदर मैच करा है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली, तो इस केस में फर्स्ट वन आंसर आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द हनी बी सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू, सुक्रोज किस में कन्वर्ट होता है, तो सुक्रोज एक तो आपको जानते हो लेवुलोज सबसे अंदर ज्यादा होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज ज्यादा होता है, एक तो उसके अंदर भी कन्वर्ट होता है, दूसरा इसमें डेक्सट्रोज भी होता है यानी ग्लूकोज के अंदर भी कन्वर्ट होता है। तो दो ऑप्शन तो आपके यहाँ आ ही रहे, कुछ क्वांटिटी में माल्टोज के अंदर भी होता है, तो यहाँ पे अगर दो ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम है और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है तो इस केस में आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव जाने के चांसेस रहते, फोर्थ वन यहाँ पे राइट होगा। देन असर्शन और रीजन यहाँ पे दिया गया था कि द इंसेक्ट विच हैव अ हायर लिपोइड कंटेंट आर कंपेरेटिवली रेजिस्टेंस देन द नॉर्मल वंस, एंड देन रीजन था द लिपोइड पिक अप द इंसेक्टिसाइड पर्टिकुलरली ऑर्गेनोक्लोरिन्स एंड डिपोजिट देम अ डिफरेंट टिश्यूज, तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर जो है दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट है, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो का वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फेकंडिटी इज, फेकंडिटी क्या है, तो द रेट एट विच द फीमेल प्रोड्यूस द न्यू इंडिजल, फीमेल जो है न्यू इंडिजल प्रोड्यूस करती है उसको ही फेकंडिटी कहते हैं। इन डीडीटी रेजिस्टेंस हाउस फ्लाई केडीआर जीन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर, केडीआर जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो केडीआर जीन जो होता है सप्रेशन ऑफ कार्बोस्ट्रेज एंजाइम के लिए, इसके इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। द मस्टर्ड सोफ्लाई एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा ले एग्स, वह अंडे कहां देती है, अलोंग द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन की पीछे की सतह पर जो है अपने अंडे देती है। इग्डाइसोन इज अ सिंथेसाइज बाय प्रोथोरेसिक ग्लैंड, पीटीजी ग्लैंड के द्वारा जो है सिंथेसाइज इसको किया जाता है। इन हाउस फ्लाइज एंड रेजिस्टेंस इंसेक्ट डीडीटी इज कन्वर्टेड इनटू, तो ये डीडीई के रूप में कन्वर्ट होती है, इस केस में ऑप्शन नंबर थर्ड वन जो होगा वह आपका राइट होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये कहां पे है, तो ये आपके लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया 1965 के अंदर। देन द ट्रांसजेनिक राइस कंटेनिंग क्राइस सेकंड जीन इज रेजिस्टेंट टू, ये क्राइस सेकंड जीन जो है किसके प्रति रेजिस्टेंस दर्शाता है, तो ये आपके स्किरकोफेगा इंसर्टुलस के प्रति, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। तो इसमें था सम इंसेक्ट लाइक अ प्रेइंग मेंटिड एंटर्स इन अ सरप्राइज इन अ विद देयर फैंटास्टिक लाइफ स्टाइल सच अ डिवोरिंग अ मैट ड्यूरिंग अ कपुलेशन, ये आंसर ये कथन आपका यहाँ पे राइट है।
देन नेक्स्ट वन है सम इंसेक्ट स्टिंग इंसेक्ट फ्लीट अराउंड और रिलेस्पिंग डिस्ट्रीब्यूट ऑर्डर, ये इनमें से कोई जो है सिक्रेशन से यहाँ पे होता है, ये कथन भी यहाँ पे राइट है। देन है कि सम इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाइज लार्वी आर जेड पॉपुलेशन सिस्टम टू एस्केप द प्रीडेटर, ये कथन यहाँ पे रोंग है। अपन कहें ये कथन जो है यहाँ पे सम इंसेक्ट इज अ ड्रैगन फ्लाई लार्वी आर द यूज एज अ जेड पॉपुलेशन सिस्टम टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर, ये यहां पे एक प्रकार से अपन कहे हैं कि ये भी यहां पे राइट है। सम इंसेक्ट्स डंग फ्लाइज अगेंस्ट बर्निंग लाइट बल्ब्स और इनटू, ये आपका रोंग है। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो आपका थर्ड वन जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ वन जो है यहां पे इनकरेक्ट है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पीरियड द विंगलेस इंसेक्ट आर सपोज टू बी इवॉल्व, तो विंगलेस इंसेक्ट जो है डेवोनियन पीरियड के अंदर इवॉल्व हुए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन राइट जाएगा। द ओरिजिन ऑफ द यूरोपियन बी एपिस मेलिफेरा फ्रॉम द इटली, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जाएगा। देन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज बीइंग यूज्ड एज अ मास रियरिंग ओवर ट्राइकोग्रामा, तो इसमें राइस मॉथ का यूज होता है, कोर्साइरा सिफेलोनिका का, इसके इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वन जो होगा वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें जो है आपका बताया गया डीबीएम के प्रति जो है बीटी की रेजिस्टेंस नहीं पाई गई है, तो ये कथन गलत है। बीटी के प्रति जो है डीडीटी आपके डीबीएम की रेजिस्टेंस देखी गई है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। क्रिप्टोनेफ्रिडियल अरेंजमेंट क्या होता है, तो क्रिप्टोनेफ्रिडियल अरेंजमेंट जो होता है द डिस्टल एंड ऑफ द मालपिजेंट ट्यूबुल्स आर एम्बेडेड इन अ टिश्यू सराउंडिंग द रेक्टम, रेक्टम के चारों ओर इसके टिश्यू जो है सराउंडेड होते हैं, क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन, इसे यानी कि हिडन किडनी इसके अंदर या हिडन होता है, ये एक प्रकार का जो आपको ध्यान होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या हिमोसाइट्स की बात हुई है तो इस केस में थर्ड वन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। प्लाज्मोसाइट्स आर लार्जर सेल्स दैट नॉट अडरेंट टाइप ऑफ सेल, अडरेंट टाइप की सेल या होती है, यहां पे लिखा है नॉन, तो इस केस में आपका थर्ड वन इनकरेक्ट हुआ। हु प्रपोज द फ्लाइंग स्क्वेरल और पेरानोटल थ्योरी, जो इंसेक्ट विंग के ओरिजिन के बारे में दी गई है, तो ये मिलर के द्वारा दी गई है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द गिवन रिगार्डिंग टू द पेनेट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड थ्रू द इंसेक्ट क्यूटिकल, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है, और इस केस में आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो यहां पे हिमोलिम इसके लिए सूटेबल है, या हिमोलिम की वजह से होता है, या डिटर्जेंट जो है वो पेनिट्रेशन में सहायता करते हैं, या लिपोफिलिक इंसेक्टिसाइड जो है रेडिली डिजोल्व कर जाते हैं, या पेनिट्रेशन जो होता है इंसेक्टिसाइड का वो उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है, तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पल्स फीडर, पल्स फीडर कौन सा है, तो केलेसर ब्रुचेस साइनेंसिस है, इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ वन जो होगा वो आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सिल्वर फिश बिलोंग्स टू द ऑर्डर, सिल्वर फिश कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो ये थाइसेनुरा से आपके यहाँ पे बिलोंग करती है, इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। द नोजल यूज्ड फॉर द स्प्रेइंग द हर्बिसाइड, हर्बिसाइड के लिए कौन सी नोजल यूज होती है, तो फ्लेट फेन होती है, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ वन आपका राइट होगा। देन द वेन रिकॉम्बिनेंट एंटोमोथेजेनिक एजेंट्स आर द कंपेयर्ड विद द नॉन रिकॉम्बिनेंट दे हैव बीन मेनी एडवांटेज सच इज, इट मीन्स लोअर स्प्रेइंग रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस सही है, लोअर इंसेक्ट रेजिस्टेंस एंड हायर एफिकेसी ये भी सही है, हायर इंसेक्ट रेजिस्टेंस एंड हायर एफिकेसी ये गलत है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ वन जो होगा वो आपका राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियन फीडिंग इंसेक्ट्स, तो ब्लो फ्लाई कॉमन ग्रीन बॉटल फ्लाई और फ्लैश फ्लाई ये तीनों ही होती है, ऑल ऑफ द अबव आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ वन आपका राइट होगा। देन द बोटनिकल इंसेक्टिसाइड रोटेनॉन इज आइसोलेट फ्रॉम द डेरीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वन राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, काइटिन के संबंध में कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट वन करेक्ट है, काइटिन जो होती है हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर ऑफ द एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन डू ग्लूकोसामिन लिंक्ड थ्रू द 1,4 बीटा ग्लूकोसाइड बॉन्ड से यह लिंक होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिफाइन द टॉक्सिकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द लिमिट ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ केमिकल और मिक्सचर ऑफ केमिकल, ये फोगलमैन ने दी थी, ऑप्शन नंबर थर्ड वन इसमें राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीट डिस्ट्रॉयर, कौन सा यहाँ पे वीट डिस्ट्रॉयर नहीं है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर थर्ड वोल्फ्रिटा मैग्नीफेरी जो है वीट डिस्ट्रॉयर यहाँ पे नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोटनिकल इंसेक्टिसाइड, तो यहाँ पे वेंड्रेक्स बोटनिकल इंसेक्टिसाइड नहीं है, क्योंकि निकोटीन सबाडिला और रोटेनोन ये तीनों ही जो है बोटनिकल इंसेक्टिसाइड है। सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द गिवन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द लेक, लेक की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे कथन दिए गए, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा गलत है वो आपको कथन यहाँ पे बताना है।
तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, लेक इज अ सोल्यूबल इन अ वाटर बट नॉट सोल्यूबल इन एल्कोहल। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये जस्ट उल्टा दे रखा है। लेक जो होता है आपके एल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। देन लेक इज इजीली फ्यूजिबल इन ऑन हीटिंग, ये कथन यहाँ पे राइट है। देन द लेक हैज एडेसिव क्वालिटी, ये भी कथन यहाँ पे अपन कहेंगे राइट है। देन नेक्स्ट वन जो है, लेक डोंट हैव अ बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे कहीं कहीं अपन कहेंगे कथन यहाँ पे गलत हो गया है। वेन द मिक्स विद द एल्कोहल, एल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे तो अपनी बाइंडिंग क्वालिटी जो एक प्रकार से खो देता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इस केस में आंसर ये कहेंगे, ये कथन यहाँ पे गलत हुआ। लेक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, लेक जो है एक हीट का अच्छा कंडक्टर माना गया है, ये नहीं है, ये भी कथन यहाँ पे रोंग होगा। देन लेक इज अ स्ट्रिक्टली इनसोल्यूबल इन अ वीक, इनसोल्यूबल नहीं, वीक एल्कली के अंदर तो सोल्यूबल होता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हुआ। यानी कि आपका इस केस में फर्स्ट, फोर्थ, फाइव्थ और सिक्स्थ ये जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वह आपका राइट होगा, कोड फर्स्ट यहाँ पे आंसर आपका जाएगा। देन द नेक्स्ट वन, द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंसेक्टिसाइड इन द फील्ड अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द क्रॉप इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, रिडक्शन कितना हुआ है, परसेंट डेमेज कितना हुआ है, यील्ड डिफरेंस कितना हुआ है, ये तीनों ही क्राइटेरिया है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इज नोन एज द बायोटिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। स्पाइरिकल्स कहां पे पाए जाते हैं, थोरेक्स एंड अब्डोमन पे पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना था, इसमें लेग्स के टाइप दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर कोड नंबर फर्स्ट राइट होगा, क्योंकि आपको ध्यान है रेप्टोरियल लेग जो होती है प्रैंगमेंटिड्स के अंदर होती है, साल्टिटोरियल लेग्स जो होती है ग्रास ऑपर के अंदर होती है, नटाटोरियल लेग्स जो होती है वाटर बीटल्स के अंदर होती है, और फसोरियल लेग जो होती है वह आपके मॉल क्रिकेट्स के अंदर पाई जाती है। देन द नेक्स्ट था, एक इक्वेशन दी गई है पॉपुलेशन डायनेमिक्स की, तो NT इज इक्वल टू N0 E और आपका E माइनस, ये सारी इक्वेशन यहां पे दी हुई है पॉपुलेशन डायनेमिक्स की, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो यहां पे अपन देखें तो NT रिप्रेजेंट द इनिशियल नंबर, क्योंकि NT जो होता है इनिशियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, N0 इसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे इनकरेक्ट हो जाता है आपका फर्स्ट वाला ही, तो यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है यही आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे राइट है। कैसे, यहां पे दे रखा है आपका सेकंड वन की ET आपका होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन यानी होना है कि उसका बाहर निकलना आउट, और आई दे रखा है आई मीन्स उसका इमाइग्रेशन यानी उसका अंदर आना, उसके इनटू यानी किसी पॉपुलेशन के अंदर जाना। देन बी एंड डी, बी बर्थ को इंडिकेट करता है, डी जो है डेथ को इंडिकेट करता है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट होगा, वो इनकरेक्ट है। देन द कलर ऑफ द लेबल फॉर द हाईली टॉक्सिक लेबल का कलर जो होता है वो येलो होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेज, इसमें अगर देखेंगे तो इरी सिल्क वर्म वाला करेक्टली मेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेमिया होता है, सेमिया रिसी नहीं होता है, तो जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ऑफ द इंसेक्ट ऑर्डर फ्रंट एंड हाइंड विंग्स आर द सेम इन शेप एंड साइज पूछा है ना, आप कंफ्यूज होमोप्टेरा से मत होना, शेप और साइज पूछा है, इस केस में आइसोप्टेरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट टॉक्सिन जीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्कॉर्पियन वाज यूज्ड टू डेवलप द रिकॉम्बिनेंट एंटोपैथोजेनिक फंजाई, तो इसमें स्कॉर्पियन से प्राप्त जो है CITI, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वन जो होगा वह आपका राइट होगा। देन लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना था और राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था, तो इसमें करेक्ट कोड जो है वो आपका थर्ड वन है। इसमें बात करें तो डिमिलिन जो है काइटिन सिंथेसिस ब्लॉकर होता है, काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, या है ना, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन सेकंड वन की बात करें, मिथोफ्रोन जो है वो मॉस्किटो ग्रोथ रेगुलेटर होता है। देन डाइफ्लुबेंजुरोन की बात करें तो ये काइटिन यानी कि डाइफ्लुबेंजुरोन का कॉमर्शियल नेम ही क्या है, डिमिलिन है, जो आपको पता होना चाहिए यूरिया का डेरिवेटिव होता है। और किनोप्रेन की बात करें तो ये स्पेसिफिक हार्मोन या अगेंस्ट होमोप्टेरन्स के प्रति इसको जो है यूज किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड वन राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM कब और कहाँ स्टेब्लिश किया गया, तो ये न्यू दिल्ली में 1988 के अंदर स्टेब्लिश किया गया, फर्स्ट वन राइट होगा। देन द स्क्रूम फ्लाई ऑफ पैरासिटिक ऑफ कैटल वाज सक्सेसफुली इरिगेटेड फ्रॉम द फ्लोरिडा विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा जो है इसको सक्सेसफुली कंट्रोल किया गया है, तो स्टेराइल मेल टेक्निक के द्वारा, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना था, ल्यूर के बारे में यहाँ पे बात आई है, और इस केस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन आपका राइट जाएगा, क्योंकि अपन हेलिकोरप्पा की बात करें, हेलील्यूर की बात करें तो ये आपके हेलिकोरप्पा के लिए यूज होगा। देन इर्विट ल्यूर की बात करें तो ये जो है आपका इर्विट आ रहा है, वीट आ रहा है यहाँ पे, वीट यानी वाइटेला के लिए आएगा।
देन इरिनेट ल्यूड की बात करें तो इरिनेट ल्यूड जो है आपका ईआरएस इंसुलाना इन आ रहा है, इस वजह से इंसुलाना के लिए होगा। और पैक्टिनो, पैक्टिनो जो है पैक्टिनोफोरा के लिए होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे राइट होगा। और लास्ट वन क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। रो बिटल जो है स्टेफाइलिनिडी फैमिली से राइट है, ग्राउंड बिटल केराबिडी राइट है, विवल्स कुरकुलिनिडी राइट है, ब्लिस्टर बिटल जो है क्राइजोमेलिडी से बिलोंग नहीं करती है, मेलोडी से बिलोंग करती है। इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका इनकरेक्ट है, इसका आंसर फोर्थ बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने सारे के सारे जो एआरओ एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन है वो अपन ने डिस्कस यहाँ पे किए हैं, और इसके अपन ने 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें 30 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और 120 क्वेश्चन जो है वह एंटोमोलॉजी के यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मैक्सिमम केसेस में अपन यहाँ पे जो बात की है उसमें मैक्सिमम आंसर जो है आपको करेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। हो सकता है दो चार क्वेश्चन के अंदर कहीं कहीं दुविधा हो सकती है, और इस पेपर के अंदर अपन देखें ओवरऑल तो इसमें से दो से तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डिलीट होने के चांस है, क्योंकि उनमें या तो प्रिंट मिस्टेक है या एक प्रकार की भिन्नता वहां पे देखी गई है, वो डिलीट हो सकते हैं यहाँ पे। और एक दो क्वेश्चन के हो सकता है मे भी आंसर चेंज हो, लेकिन यहाँ पे 99% एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पे आंसर बताए गए हैं। आप अपने उसी अनुसार जो है अपने मैच कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन वहां पे बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।